और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में लगातार पहले चरण की वोटिंग जारी है। कांकेर में 68% अभी मतदान हुआ है, केशकाल में 60.11% मतदान हुआ है, कोंडागांव में 69.03% मतदान हुआ है, तो वहीं नारायणपुर में 53.55% मतदान हुआ है, दंतेवाड़ा में 51.90% मतदान हुआ है, तो कोटा में 50.12% मतदान हुआ है, खैरागढ़ में 64.48% मतदान हो चुका है फिलहाल, बता दें कि डोंगरगढ़ में 61.20%, तो वहीं खुज्जी में 67.07% मतदान हुआ है, राजनांदगांव में 62% मतदान हुआ है, तो डोंगरगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर डोंगरगांव में 62% मतदान हुआ है। इसके अलावा बस्तर में 65%, जगदलपुर में 60.75% मतदान हो चुका है, चित्रकूट में 56.90%, पंडरिया में 60.40% मतदान अभी तक हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। कवर्धा में अभी तक 41.67% मतदान हो चुका है और बीजापुर में सबसे कम मतदान हुआ है, 30% ही मतदान हुआ है। तो बता दें कि अब तक कुल 20 सीटों पर कुल 59.19% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान लगातार जारी है, 10 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, 10 सीटों पर लगातार अभी भी मतदान जारी है और 10 सीटों पर वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। मोहला मानपुर में सबसे सर्वाधिक मतदान हुआ है, यहां पर 73% मतदान हुआ है और बता दें कि अंतागढ़ में 65.67% मतदान हुआ है, भानुप्रतापपुर में 61.83% मतदान हुआ है, कांकेर में 68% मतदान हुआ है, तो केशकाल में 60.11% मतदान हुआ है, कोंडागांव में 60.03% और नारायणपुर में 53.55% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए तो दंतेवाड़ा में 51.90% मतदान हुआ है, कोटा में 50% मतदान हो चुका है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान दोपहर 3 बजे तक 58% मतदान अभी तक हो चुका है और डोंगरगढ़ की अगर बात की जाए तो 61% मतदान हुआ है, राजनांदगांव में 62% मतदान हुआ है, डोंगरगांव में 62.80% मतदान अभी तक हो चुका है, बस्तर की अगर बात की जाए बस्तर में 65.20% और जगदलपुर में 60.75% मतदान हो चुका है, चित्रकूट में 56 और पंडरिया में 60.40% वोटिंग अभी तक हो चुकी है और ये वो जिले हैं जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। कवर्धा में अभी तक 41.67% मतदान हो चुका है और बीजापुर में सबसे कम मतदान हुआ है, सिर्फ 30% ही यहां पर मतदान हो चुका है, अभी तक 20 सीटों में कुल 59.19% मतदान अभी तक हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान लगातार जारी है, 10 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, 10 सीटों पर अभी वोटिंग की जा रही है, बाकी 10 सीटों पर 5 बजे वोटिंग खत्म होगी और मोहला मानपुर में सबसे ज्यादा 73% मतदान अभी तक हो चुका है। और इस पूरी खबर पर छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड अनिल पोसतकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिन 10 सीटों पर मतदान खत्म हुआ है उन सीटों का रेशो क्या है और जो नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां पर वोटिंग का क्या कुछ आंकड़ा रहा, क्या कुछ देखने को मिला समीकरण वहां पर? सर देखो मनीष, जो ये जो आज का पहले चरण का चुनाव था इसमें मतदान का समय अलग अलग था, जो घोर नक्सल प्रभावित जो सीटें हैं 10 सीटें वहाँ 7 से 3 बजे तक था और बाकी मैदानी क्षेत्र भी हैं बस्तर में और राजनांदगांव जिले की जो दुर्ग जिले की दुर्ग संभाग की 8 सीटें हैं उसमें जो है मतदान का समय 8 बजे से 5 बजे तक है, तो 3 बजे तक का जो चुनाव मतदान वाला था वो समाप्त हो चुका है और उस जो उस हिस्से में जो उस समय में जो है 10 सीटों पर ये समय निर्धारित था 10 सीटों के लिए और 10 सीटों पे मतदान में कमी आई है, मतदान प्रतिशत काफी कम हुआ है। पिछले जो 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो औसतन उस समय 76% मत पड़े थे लेकिन इस बार जो देखने में आ रहा है खासकर बीजापुर जो है वो बहुत कम है, हाई प्रोफाइल सीट है, भाजपा के वन मंत्री जो रहे हैं महेश गागड़ा वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ मात्र 30% वोट गिरे हैं लेकिन ये बीजापुर जो है पिछली बार भी वहाँ पर मतदान काफी कम हुआ था, मात्र 46% मत पड़े थे, तो इस तरह देखा जाए तो 16% की गिरावट जो है बीजापुर में आई है लेकिन हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा गिरावट जो है यहाँ के जो कद्दावर मंत्री हैं लक्कावासी लखमा जो काफी लोकप्रिय है अपने क्षेत्र में उनकी विधानसभा क्षेत्र कोंटा में आई है, कोंटा में पिछली बार जो है 73% मत पड़े थे और इस बार मात्र 50% यानी 23% मत कम पड़े हैं। उसी तरह जो है हम बात करें तो केशकाल
और नारायणपुर, ये दो जो है उत्तर बस्तर की सीटें हैं दोनों, यहाँ पर भी जो है 18% कम मत पड़े हैं। केशकाल में पिछली बार 78% मत पड़े थे, इस बार 60% है। नारायणपुर में पिछली बार 71% वोट पड़े थे तो इस बार 53% वोट पड़े हैं। तो देखने में तो यही आया है कि इस बार मतदान में बहुत ज्यादा उत्साह, मतलब हम अगर उसको माने गिरावट को, तो बहुत ज्यादा उत्साह दिखा नहीं है। और ये गिरावट काफी चिंता की बात है, 18% 23% 16% बीजापुर में कम हुआ है, तो ये चिंता की बात तो है। जी बिल्कुल, प्रतिशत जो है वो मतदान के सारे समीकरण और जो पंडितों के जो आकलन है उन पर पानी फेरता नजर आ रहा है। मनीष जी बिल्कुल सर, लेकिन कई जगहों पर नक्सली घटना भी देखने को मिली है, सुकमा हुआ या बीजापुर हुआ, नारायणपुर हुआ, कांकेर हुआ, इन तमाम जिलों में नक्सलियों ने अटैक किया, कुछ जवान घायल हुए, कुछ जगहों पर मुठभेड़ भी हुई। क्या इन्हीं तमाम कारणों के चलते इन तमाम जिलों में वोटिंग कम हुई है, क्या इसका खासा असर देखा जा रहा है? बीजापुर की अगर बात की जाए तो बीजापुर में सर्वाधिक मतलब सबसे कम जो है मतदान हुआ है, सिर्फ 30% ही मतदान हो चुका है, क्या नक्सलियों ने इन तमाम सीटों को प्रभावित किया है? नहीं मनीष, मनीष इस इसको एक 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 ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अब जैसे बात करें हम नक्सली वारदात की, तो सुबह सुबह जो है ईडी ब्लास्ट हुआ था, तो ईडी ब्लास्ट में आईईडी ब्लास्ट में जो है जो कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ, उसके बाद उसी विधानसभा में जो है कोंटा विधानसभा में नक्सलियों ने पुलिस फोर्स से फायरिंग की, और फिर उसके बाद जो है कोंटा के जो है तालमेटला और दुल्लेड़ क्षेत्र के जंगलों में भी जो है वहां मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई, उसके बावजूद वहां पर 50% मत पड़ा। लेकिन चित्रकूट जो बीजापुर है वहां तो ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन वहां मतदान प्रतिशत और गिर गया। पिछले बार भी 45 था, 46 था, इस बार 30% गिरा। तो बीजापुर से जो गांगालूर जो एक क्षेत्र है वहां तक के जो सड़क पर जो बीजापुर में जो नक्सलियों ने जो पर्चे फहराए थे, अब इसको माना जा सकता है कि उसका असर हुआ होगा। देखिए सुकमा हो गया, कोंटा हो गया, उसके अलावा नारायणपुर के बांदे क्षेत्र में भी जो है मुठभेड़ हुई है, फिर ये सब मुठभेड़ होने के बावजूद यहाँ पे बीजापुर से ज्यादा मत प्रतिशत रहा। तो एक एक पैमाने पे इसको नहीं माना जा सकता। और ये नक्सली जो है ये उत्पात, नक्सली उत्पात कह लीजिए, नक्सलियों की जो हल्की फुल्की वारदात कह लीजिए, ये हर हर मतलब चुनाव में ये नक्सली अपनी दस्तक देते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ये उनकी हताशा का परिणाम है। देखिए उनको ये अगर ना करें तो सारे देश का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, तो ध्यान खींचने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए ये उनकी हरकतें होती है। और हैरानी की बात है कि जो बस्तर पिछली बार बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल हुआ था 78%, 80%, कोंडा गांव में पिछली बार हुआ था वहां 69% है, नारायणपुर 71% था, घोर नक्सल क्षेत्र है नारायणपुर कह लीजिए, भानुप्रतापुर कह लीजिए, अंतागढ़ कह लीजिए, भानुप्रतापुर में पिछली बार 75% मत हुआ था। तो ये अबूझमाड़ का क्षेत्र है, अबूझमाड़ मैंने आप नाम से समझ लीजिए, ये अबूझ क्षेत्र है, इसको कोई बूझ ही नहीं पाया था। पहले तो इस इलाके में जाने के लिए कलेक्टर बस्तर से परमिशन लेनी पड़ती थी, बिना परमिशन कोई नया आदमी जा नहीं सकता था। उस क्षेत्र में आपको सारी सुविधाएं हैं, नक्सल के खिलाफ जो है सरकारें, राज्य सरकारें, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, चाहे भूपेश की सरकार हो, भूपेश बघेल की, इन्होंने काम तो किया है, नक्सलियों को कॉर्नर तो किया है, नक्सली एक कोंटे में कोने में छोटे से हिस्से में सिमट तो गए हैं, लेकिन ये छिटपुट वारदात करके उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और कम जो मतदान हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसको अपनी सफलता भी माने। लेकिन जो प्रशासन की बात कहें या इलेक्शन कमीशन की बात कहें, उन्होंने बहुत चुस्ती दिखाई है और ड्रोन से भी जो है निगरानी रखी गई, तो मतदान शांतिपूर्ण रहा, कोई हताहत नहीं हुआ, ये बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, तो इससे ये कहें कि ये नक्सलियों की हताशा है और ध्यान भटकाना या फिर ध्यान खींचने का एक जरिया हो सकता है। ठीक है सर, यहाँ अपन मसले को जानते हैं, मोहला मानपुर में सबसे ज़्यादा 73% मतदान हुआ है, हालांकि कहीं घटना हुई है उससे कोई ज़्यादा प्रभावित तो नहीं हुआ है। अब आते हैं सर हम मूल चुनाव पर। मूल चुनाव में 233 उम्मीदवार अभी फिलहाल इस चुनावी मैदान में है पहले चरण के, और 20 सीटें हैं। 20 सीटों में क्या कुछ लग रहा है आपको कि किसके पलड़े में ज़्यादा सीटें जा सकती है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको केंद्र में रख करके जनता ने इस बार मतदान किया है, और किस पार्टी के पक्ष में कितना ज़्यादा मतदान देखने को मिल सकता है? ठीक है मनीष, ऐसा है मतदान ज्यादा होता है तो एंटी इनकम्बेंसी मांगते हैं, लेकिन इस बार तो मतदान कम हुआ है जी। इसको प्री 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 गवर्नमेंट वोट तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपका जो सवाल है, ये 20 सीट है, 20 सीट में 19 सीट जो है कांग्रेस के पास है जी। बिल्कुल, बीजेपी के पास मात्र एक सीट है। अगर हम पिछली बार की बात करें 2018 के चुनाव की, तो मात्र 17 सीट जो है, 3 सीट जो है विपक्ष के पास थी और
विपक्ष माने बीजेपी के पास 2 सीट थी और एक जो भी कांग्रेस के पास थी, लेकिन 17 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था पिछली बार तो। और उसके बाद भीमा मंडावी जो है उनका निधन हुआ था, नक्सली वारदात में शहीद हुए थे वो, तो उस सीट पे भी उपचुनाव हुआ था। और खैरागढ़ जो विधानसभा सीट है वहां से देवव्रत सिंह जो भी कांग्रेस के थे उनका भी निधन हुआ था, तो वहां पर भी उपचुनाव, दोनों उपचुनाव कांग्रेस ने जीते थे और कांग्रेस 71 से 73 हो गई थी। और ये जो 20 सीट है 20 में 19 हो गई थी, 19 सीटें जो है कांग्रेस के पास है आज जो 20 सीटें पर चुनाव हो रहा है उसमें, और मात्र 1 सीट जो है भाजपा के पास है जो उनकी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो है भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, राजनांदगांव सीट। अब इसको कुल मिलाकर देखें तो भाजपा के पास खोने के लिए तो इसमें कुछ है नहीं, एक ही सीट थी और एक सीट तो वो बचा ही ले जाएंगे डॉक्टर रमन सिंह, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछली बार धान की सुनामी थी, कर्ज माफी का तूफान था और दुनिया भर के वादों का बवंडर था, उसके बावजूद जो है रमन सिंह अपनी सीट बचा ले गए थे। तो उनके सामने पिछली बार प्रत्याशी भी बहुत तगड़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भांजी थी करुणा शुक्ला, तो उसके बाद अगर वो 19,000 वोटों से पिछली बार जीते थे तो इस बार उनको बहुत दिक्कत दिखती नहीं है। लेकिन बाकी सीटों की बात करें तो कांग्रेस को सीट में जो है अगर 19 की 19 सीट बचाना है, उनके पास बड़ी चुनौती है। अगर 19 सीट नहीं बचाते हैं तो जितनी भी सीट कम होती है वो उसका शुद्ध नुकसान है। तो इस हिसाब से भाजपा को इस पहले चरण के चुनाव में ऐसा लगता है कि बढ़त दिख रही है। जी बिल्कुल सर, तो अभी तक फिलहाल जो है पहले चरण की जो 10 सीटें हैं उनका जो मतदान खत्म हुआ है, वहां पर दोपहर 3 बजे तक 58.85% ही मतदान हुआ है, और अभी जो 10 सीटों पर मतदान चल रहा है उनके आंकड़े आने बाकी है। वहां पर यह भी देखना होगा कि वहां पर कितनी वोटिंग हो रही है, कितनी एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। हालांकि आपने कहा कि जहां सर्वाधिक वोटिंग होती है वहां पर सरकार के खिलाफ में माहौल बनता है, लेकिन यहां पर वोटिंग कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, अपने किले बचाने में कहीं ना कहीं नाकाम तो नहीं रह सकती है, किले बचा ही लेंगे कुल मिला के अपन ये देखा जाए इसको। नहीं ऐसा नहीं मनीष, कबीर धाम जो है वो पिछली बार 22% वोट पड़े थे, वहां से मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार तो वो स्थिति ठीक नहीं है, इस बार तो काफी कम वहां मतदान हुआ है। तो और जो बीजापुर ये कोंटा है, कोंटा जो है सीट कवासी लकमा की है, उनके बहुत कद्दावर मंत्री, वहां सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा गिरावट आई है, 23% कम पड़े हैं। तो और जो चित्रकूट है वहां पर भी 8% कम हुआ, वहां उनके जो है प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा कोटागांव सीट की बात करें तो 2000 वोटों से ही पिछली बार उनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम चुनाव जीते थे, जिनको अब मंत्री बना दिया गया, तो वो मंत्री हैं, तो वो 2000 वोट का ही फर्क था उनके मोहन मरकाम और पूर्व भाजपा की पूर्व मंत्री जो थी लता उसेंडी के बीच, दोनों इस बार आमने सामने हैं। तो 2000 के मतों के अंतर से जीती हुई सीट पे अगर जो है हम कहें 11% मतों में अंतर आता है, पिछली बार 80% वोट पड़े थे, इस बार 69% वोट पड़े हैं, तो 2000 मतों के अंतर से जीत को जो है ये 11% का जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है उसको गड़बड़ा देता था। इसलिए मैंने पहले ही कहा ये जो गिरावट है इस गिरावट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं इस 20 जो सीट है उस चुनाव के नतीजे को बदलने में। मनीष जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए मतदान आज हुआ है, 10 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन 10 सीटों पर लगातार जारी है। शाम को 5 बजे तक उन 10 सीटों के आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। मोहला मानपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, यहां पर 73% मतदान हुआ है। अंतागढ़ की अगर बात की जाए अंतागढ़ में 65 और भानुप्रतापपुर में 61% मतदान हुआ है। इसके अलावा कांकेर की अगर बात की जाए तो कांकेर में 68% और केशकाल में 60.11% मतदान हुआ है। और इसके अलावा अगर कोंडागांव की बात की जाए तो यहां पर 69.03 और नारायणपुर में 53.55% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा में 51.90 और कोटा में 50.12% मतदान हुआ है। खैरागढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर 64.48% मतदान हुआ है। अलग अलग जिलों में आंकड़ा अलग अलग रहा है, डोंगरगढ़ में 61% तो खुज्जी में 67.07% मतदान हुआ है। इसके अलावा राजनांदगांव और डोंगरगांव की बात की जाए तो राजनांदगांव में 62 और डोंगरगांव में 62.80% मतदान अभी तक हो चुका है, यहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। ये वो जिले हैं जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। बस्तर में 65 और जगदलपुर में 60% मतदान फिलहाल अभी तक हुआ है। चित्रकूट में 56 और पंडरिया में 60.40% मतदान फिलहाल हुआ है। और कवर्धा में अगर बात की जाए तो 41.67% मतदान अभी तक हो चुका है। ये वो जिले हैं जहां पर
मतदान खत्म हो चुका है और बीजा में सबसे कम मतदान हुआ है, यहां पर महज 30% ही मतदान हो चुका है और अब तक 20 सीटों पर कुल 59.19% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान हुआ है और 10 पर अभी मतदान खत्म हो चुका है, 10 पर जारी है।